आपने भस्मासुर के बारे में सुना है या फिर फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर के बारे में? ये दोनों अपने ही क्रिएटर्स की जान के पीछे पड़े थे। ऐसा ही एक मॉन्स्टर पाकिस्तान ने भी बना लिया अपने लिए। एक कहानी शुरू हुई 9/11 अटैक्स के बाद, जब यूएसए ने वॉर डिक्लेयर कर दी अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान में उस समय रूल था तालिबान का, जिसे पाकिस्तान कंसिडर करता है एज गुड तालिबान। लेकिन वॉर के बाद अफगानिस्तान सेफ नहीं था तालिबान फाइटर्स के लिए। तालिबानी फाइटर्स शिफ्ट हो गए पाकिस्तानी साइड की तरफ, लेकिन यूएसए ने पाकिस्तान को प्रेशराइज करना शुरू किया इन एरियाज में एक्शन के लिए। पाकिस्तान ने ऐसा किया भी। इसकी वजह से तालिबानी फाइटर्स का एक सेक्शन पाकिस्तान को अब दुश्मन मानने लगा। कहते थे कि अफगानिस्तान की तरह ही पाकिस्तानी स्टेट को हटा के शरिया कानून लागू किया जाए। 2007 आते आते हालात इतने बिगड़ चुके थे कि फंडामेंटलिस्ट इस्लामाबाद की लाल मस्जिद को अपना बेस बना के वॉयलेंस और किडनैपिंग से लेके सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक तक पिछले 1.5 साल से स्टेट के साथ कॉन्फ्लिक्ट पे थे। नेगोशिएशंस फेल होने के बाद फाइनली पाकिस्तानी फोर्सेस ने अटैक किया मस्जिद पे। लेकिन इस इवेंट ने आग बुझाने की बजाय इस आग को और बढ़ा दिया। जन्म हुआ पाकिस्तान के फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर का। इस मॉन्स्टर को पाकिस्तान बोलता है बैड तालिबान, और इसका नाम है TTP।